कांग्रेस तिरंगा सम्मान महोत्सव में शामिल हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है, इसमें कांग्रेस का प्रमुख योगदान रहा है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष सिंह ने कहा कि देश की आजादी के लिए बलिदान की बात हो या फिर आजाद भारत को विकास के रास्ते पर ले जाने की, हर जगह कांग्रेस ने अपनी महती भूमिका निभाई है। भाजपा सरकार ने पहले देश के प्रमुख संस्थान बेचे, अब कुछ नहीं बचा तो तिरंगा बेच रही है। इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव संजय कपूर, जिला अध्यक्ष त्रियोगी नारायण शुक्ला, महापौर अजय मिश्रा बाबा, शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू, सतना जिला अध्यक्ष दिलीप मिश्रा, शहर अध्यक्ष मकसूद अहमद सहित अन्य नेता भी मौजूद रहे। जो कांग्रेस ने उदयपुर में चिंतन शिविर, नवचेतना शिविर जो हमारा आयोजित हुआ था, उसमें निर्णय लिया गया था कि 9 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक तिरंगा सम्मान यात्रा का आयोजन किया जाएगा। उसी परिप्रेक्ष्य में आज सुबह में सतना जिले में पदयात्रा में शामिल होकर आ रहा हूं और आज इस समय आपके बीच हूं। कल दमोह में कार्यक्रम है तिरंगा सम्मान यात्रा का, उसमें मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है पहुंचने का। आज का ये कार्यक्रम कांग्रेस को करना पड़ा। कांग्रेस ने देश की आजादी से लेकर आज तक देश को आजाद कराने में कांग्रेस की क्या भूमिका थी, यहां बहुत मुझसे वरिष्ठ लोग भी बैठे हैं, उन्हें सब संज्ञान में होगा। एक टाइम ऐसा था कि देश पे अंग्रेजों का शासन था, कांग्रेस आगे बढ़ के आई, कांग्रेस का गांधी जी ने तिरंगा लेके आगे बढ़े, उसके पीछे पूरी सेना फौज इस देश को आजादी के लिए लड़ाई लड़ने के लिए एकत्रित हुई और बड़े जोश से, बड़ी मेहनत से और बहुत सारे साथियों ने बहुत सारे शहीद शहादत देकर इस देश को से अंग्रेजों को विदाई दी और देश में लोकतंत्र लागू हुआ। और जो हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने देश का संविधान बनाया, उस संविधान में सभी कौमों को, सभी बिरादरियों को, सभी को साथ लेके चलने का एक संविधान बना। इसमें जो रंग है आप देखिए, ऊपर का रंग कौन सा है? केसरिया। बीच का रंग सफेद और नीचे का रंग हरा। ये कहीं ना कहीं देश की हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता का प्रतीक है, भाईचारे का प्रतीक है। इसमें हर कौम का झंडा रंग है, हर जाति का रंग है और सबको एक साथ लेके चलने का हमेशा से कांग्रेस ने काम किया था। और आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जिस पार्टी ने देश की आजादी लड़ी, जिस पार्टी के लोगों ने, नेताओं ने शहादत दी देश को अखंड रखने के लिए, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे राजीव जी हो, और आज उनको किस तरीके से बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, उस पार्टी को किस तरीके से बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, आज हर कांग्रेसी का दायित्व है, हर कांग्रेसी की जिम्मेदारी है, हर कांग्रेसी का फर्ज है कि सब लोग एकजुट होकर फिर से लग रहा है उसी लड़ाई को लड़ना पड़ेगा जो हमने 1947 में लड़ी थी। जिस तरीके का माहौल देश में बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, अगर कोई विरोध करता है तो उसे कहीं ईडी, कहीं इनकम टैक्स, कहीं आईटी, तमाम तरीकों से उन्हें दबाने का काम किया जाता है। कि लोकतंत्र है, ये डिक्टेटरशाही है, ये हिटलरशाही है, तो इसे आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आज जिस तरीके से हमारे नेता राहुल जी हों या सोनिया जी या प्रियंका जी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी सबकी लड़ाई लड़ रहा है, हमारे अस्तित्व की लड़ाई है और कांग्रेस के अस्तित्व को समाप्त करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी। एक ऐसा लगता है कि जिसने कमल का फूल थाम लिया वही हिंदू है, बाकी हिंदू ही नहीं है। हमारे बड़े भाई अजय सिंह जी बैठे हैं, मैंने अभी